हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बता दूं मैंने क्लास टेन साइंस और एसएसटी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल दिए हैं एसएसटी के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सिविक्स जोग्राफी सारे के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ से आप इजीली सारे वीडियोस को देख सकते हो तो अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो यार जाकर देख लो सारे आपके रेड्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी वन बोर्ड की हमनेशन परस्पेक्टिव से, से हैं जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो जाओ उन सारे वीडियोज़ को देख लो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वन मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आई सोसेल राइट एंगल एट सी देयर फोर तो क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है ए बी सी जो कि एक आईसो सेलस है और राइट right एंगल है सी पर तो आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर ऑप्शन बी है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर ऑप्शन सी है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर डी है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी स्क्वायर भाई इस वीडियो में जब भी आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखो तो उसी वक्त वीडियो को पॉज करके आंसर को उसी वक्त सॉल्व करने का कोशिश करना आगे वीडियो में टू मार्क्स थ्री मार्क्स और फोर मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो जब भी वीडियो में क्वेश्चन आए तो पॉज करके उसका उसको सॉल्व करने का कोशिश करना उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके आंसर मैच कर लेना तो इसका आंसर होगा गाइज ए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज तो रोम्बस के दोनों डायगोनल्स का लेंथ दिया गया है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आपको रोम्बस के साइड का लेंथ पता करना है ऑप्शन ए है 9 सेंटीमीटर बी है 10 सेंटीमीटर सी एट सेंटीमीटर और डी ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसका आंसर है बी टेन सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन ट्रायंगल इफ इन ट्रेंगल्स ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्राएंगल डी ई एफ ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ डी देन दे विल बी सिमिलर वेन ऑप्शन ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ऑप्शन सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और ऑप्शन डी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ तो इसका आंसर होगा सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर विथ बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू वन बाई थ्री देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए इज इक्वल टू ऑप्शन ए नाइन ऑप्शन बी थ्री ऑप्शन सी वन बाई थ्री ऑप्शन डी वन बाई नाइन तो इसका आंसर होगा ए नाइन अब बात करते हैं गाइस टू मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट पी एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर सच डेट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर सो डैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इन टू क्यू आर तो क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है जो कि एक ट्रैंगल है पी क्यू आर राइट एंगल है पी पर और एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर और क्यू आर पर एम पॉइंट है सच डैट कि पी एम पर है क्यू आर पर तो आपको शो करना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इन टू क्यू आर तो ये है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन इन द फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी इफ एडी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ सच डैट एरिया ऑफ़ ट्रैंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ़ ट्रैंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ तो दो ट्रैंगल्स हैं सेम बेस पर बी सी पर सेम बेस बी सी पर ए बी सी और डी बी सी दो ट्रैंगल्स हैं और इफ़ ए डी इंटरसेकट्स बी सी यानी ए डी बी सी को इंटरसेक करता है ओ पर तो आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रैंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ तो ये इसका आंसर next question hai, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बात करते हैं क्या इस थ्री मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। प्रूफ डाइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस थ्री सी डी स्क्वायर तो एक ट्रैंगल ए बी सी में एंगल बी नाइन्टी डिग्री है और डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का तो आपको प्रूफ करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस थ्री सी डी स्क्वायर तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू राइट ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीबीसी आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस बीसी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेकट एट पी प्रूफ एट ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू डी पी दो राइट ट्रैंगल्स हैं ए बी सी और डी बी सी ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस बी सी एंड ऑन द सेम साइड बी सी यानी दोनों दोनों सेम हाइपोटेनस और सेम साइड बी सी पे बने हुए हैं तो इफ़ ए सी एंड बी डी इंटरसेकट एट पी ए सी और बी डी इंटरसेकट करते हैं पी पर तो प्रूफ करना है आपको कि ए पी एंड पी सी ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू डी पी Yes, cancer. अब बात करते हैं गाइस इस फोर मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्वेश्चन है ट्रेंगल ए बी सी फिगर ए डी परपेंडिकुलर बी सी प्रूफ डैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी टू बी सी इन टू बी डी यानी ए बी सी एक ट्रैंगल है दिया गया आपको उसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के तो आपको प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इन टू बी डी तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ये इसका आंसर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आईज उम्मीद है दोस्तों कि आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाए होंगे इसके पीछे के सारे वीडियोज़ अभी तक तुमने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ की हर एक सब्जेक्ट के सेपरेट प्ले लिस्ट बने हुए हैं तो वहाँ से जाके तुम ईजिली सारे वीडियोज़ को देख सकते हो चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में